गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर किसलय राकेश, माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट में साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं यहाँ 3-4 साल से काम कर रही हूँ और मेरा साइकियाट्री का एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर है। पर्सनली समथिंग क्लोज टू माई हार्ट इज़ वुमेन्स मेंटल हेल्थ। हम इसका अलग क्लिनिक नहीं बनाते, हम इसके बारे में अलग से बात नहीं करते हैं। सो टुडे रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ, आई वॉन्ट टॉक अबाउट मेनोपॉज। मेनोपॉज इज़ एवरी वुमेन्स वेल एंटिसिपेटेड नाइट में। हम बहुत चीज़ें सुनते हैं, अपनी मदर्स को देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। नाउ वी आर स्लोली टॉकिंग अबाउट इट, बट अभी भी उतनी जानकारी नहीं है लोगों को। मेनोपॉज इज़ द स्टॉपिंग ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट अकर्स नेचुरली। इसका एज रेंज बहुत वाइड है। कुछ लोगों को 35 में स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों का 50 में स्टार्ट होता है। इट कैन गो ऑन फ्रॉम 45 to 55, एनी टाइम इट कैन हैपन, एंड इट कैन टेक टाइम टू एक्चुअली कम्प्लीटली स्टॉप। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि एक पीरियड आया, रुक गया, उसके बाद आप मेनोपॉज में चले गए हैं। नो, इट इज़ कॉल्ड पॉज बिकॉज इट पॉजेज एंड स्टार्ट्स एंड पॉजेज एंड स्टार्ट्स। फाइनली द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर आर लॉट ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस विच आर हैपनिंग। एक हॉर्मोन जिसका नाम आपने सुना होगा, इस्ट्रोजन, वो बहुत ज़्यादा गिरता है इस बीमारी में, और उससे रिलेटेड होते हैं दिमाग के कुछ केमिकल्स, सेरोटोनिन, डोपामिन, आजकल इसके बारे में बात होती है, या खुशी वाले केमिकल्स होते हैं, एनर्जी वाले केमिकल्स होते हैं, रैशनल थॉट वाले केमिकल्स होते हैं, और बॉडी की साइकिल्स को रेगुलेट करने वाले केमिकल्स होते हैं, ये साथ में गिरते हैं। सो व्हाट यू हैव रिलेटेड टू द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज आर द मेंटल हेल्थ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, लो लेवल्स ऑफ एनर्जी, फटीग, स्लीपलेसनेस। फिजिकल सिम्टम्स आते हैं आपके हॉट फ्लैशेस, इरिटेबिलिटी, सर दर्द होना, समझ में नहीं आना क्या चल रहा है। यू नो, पीपल कॉल इट अ मेंटल फॉग। इट्स अ कन्फ्यूजनल स्टेट। इट इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ टेम्पररी, इट विल पास। देर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, बट वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज वन, देर इज द स्टिग्मा ऑफ मेंटल हेल्थ, सेकेंड देर इज द स्टिग्मा ऑफ वुमेन्स मेंटल हेल्थ एंड वुमेन्स हेल्थ ऑल टुगेदर। आप खाली गायनकोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं। It is very rare that a woman's partner is even aware of what is happening in her physical body, although you as a partner and a mother and a daughter will know a lot about the male members of your family. So now coming to the symptoms, I have told you in brief physically kya hota hai, mentally kya hota hai, mota mota kyun ho raha hai. Treatment is related to those symptoms. Aapki physical condition ke liye hormone replacement therapy available hai, which may take care of the mental symptoms as well. बट इफ़ उससे चलते चलते आप डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, तो फिर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट अलग से ज़रूरी है। हियर वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग, वी आर ऑफरिंग सम नॉवल थेरेपीज। ये नए तरीके हैं जो लॉन्ग टर्म दवाइयों से अलग हैं, उनके साइड इफेक्ट से अलग हैं। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्यूलेशन इज वन ऑफ दीज। असिस्टेड थेरेपीज विद न्यूअर मेडिकेशन लाइक के थेरेपी, एनेस्थेटिक एजेंट्स इज द सेकेंड ऑफ दीज। Alongside, of course, you have lifestyle management, dietary changes that have to happen as your body is aging naturally, yoga, exercising, breathing exercises, jo sab hum batate hain. Today, the purpose of this video is to make sure that you at least talk about it, consider it, understand that something is happening with your body that may very well be normal, but it can have some abnormal effects which are very well treated and treatable. द पॉइंट इज, अगर आपको तकलीफ में नहीं जीना पड़ रहा है तो आप क्यों जी रहे हो? आप उसके लिए मदद मांग सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी कैन हेल्प। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स रीच आउट, लेट्स टॉक टू आवर फ्रेंड्स, क्रिएट अवेयरनेस, एंड मे बी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे इन दिस।